देवता इस असुर राजसभा में एकत्रित अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं के समक्ष हमारे साथ अति बलशाली अप्रतिम योद्धा है हस्ते क्षण भर में ही अपने असीम बल और ऊर्जा से जो शत्रुओं को धूल धूसरित कर दे वो महाशक्तिशाली महापराक्रमी योद्धा असुर है हमारे पास हस्ते की शक्ति समाहित है इसमें धूर्त है अंधकासुर वो उचित अनुचित किसी भी उपाय से हमें पराजित करने का प्रयास करेगा किंतु हमारे पास भी देवराज इंद्र की वज्र की शक्ति है जिससे वो किसी को भी भेज सकते हैं शास्त्र की शक्तियां हमें प्राप्त है वैदस के अनेकों हस्त एक साथ अनेकों शास्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं दुर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए जल जैसा कोमल पदार्थ भी समय आने पर जल अधिपति वरुण देव प्रचंड जलास्त्र में परिवर्तित कर सकते हैं और वायु का प्रवाह तो शीतलता और प्राण का संचार करता है किंतु समय आने पर वही वायु देव उसी वायु प्रवाह की शक्ति से विशाल पर्वतों को भी टिका सकते हैं चलते हैं बाण भेज सकता है जो हर लक्ष्य को पल भर में योद्धा है हमारे पास धुन <laughs>
उसी प्रकार अग्निदेव की अग्नि शक्ति क्षण भर में भी किसी को भस्म कर सकती है। इतने अचंभित क्यों हो गए? मैं तो मात्र आपको सागर प्रणाम कर रहा था गुरुदेव। तुम कदाचित ये भूल रहे हो तोर्ण, मुझे मिस संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त है। तुम्हारे ये विशेष आदर के प्रदर्शन के उपरांत ये जान लो, तुम्हारी मृत्यु के बाद क्यों गुरुदेव, कैसे लगे आपको मेरे विशेष योद्धा? क्या आप भी आपको लगता है कि वो साधारण बालक अपने छल भरे सोंग से मुझे अंधकासुर को प्रभावित कर सकता है? असुरराज, एक अत्यंत विशेष योद्धा की तो चर्चा ही नहीं की आपने। आओ भूमिगत, आओ, अंधकासुर बुला रहा है तुम्हें। आओ। कहाँ है ये वशिष्ठ असुर? कौन है ये भूमिगत? नहीं नहीं, ये भूमिगत ये मत पूछिए गुरुदेव। ये पूछिए कहाँ है वो जो छल सकता है किसी की भी दृष्टि को, समीप रहकर भी जो शत्रुओं को मार दे सकता है, वो योद्धा है भूमिगत। और सूर्य देव का तेज अपना प्रचंड रूप लेकर किसी की भी दृष्टि हर सकता है। अधिष्ठाता देव वरुण देव जब स्वयं पर आते हैं तो वो शत्रुओं के लिए हिम बनकर उनका काल भी बन सकते हैं। आक्रमण करो भूमिगत पर।
अदृश्य हो गया ये। अद्भुत है ये असुर। तुहुंड सर्वनाश करेगा इस भूमिगत का। पुनः अदृश्य हो गया। बस बहुत हुआ, रुक जाओ। कौन है ये विचित्र सुर? चार गोल घेरों में बंद असुरों के प्रतिरूप है ये असुर। जब तक ये चार गोल घेरे सुरक्षित रहेंगे, ये असुर पुनः जीवित होते रहेंगे। इच्छा अनुसार अदृश्य हो सकते हैं ये। कोई शस्त्र ने क्षति नहीं पहुंचा सकता। अंधकासुर का कोई योद्धा, उसका कोई अस्त्र शस्त्र हमें पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास है उपाजी ब्रह्मदेव के मंत्रों की वो शक्ति जो सृष्टि का सृजन करती है और जो सृष्टि के विनाश का कारण भी बन सकती है। महायोद्धा स्वयं नारायण, जिनके चक्र के प्रहार से कोई नहीं बच सकता, और महायोद्धा महादेव का अनंत प्रचंड बल। और वो पराक्रमी योद्धा जिन्होंने तारकासुर का वध किया, मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय, वो भी हमारे सेना नायक। इस युद्ध में हमारा नेतृत्व करने के लिए सर्वथा उपयुक्त है देव सेनापति कार्तिकेय, और भैया ही हमारी युद्ध नीति की रचना भी करेंगे। रणनीति निर्धारित करने की अनुमति दीजिए। ब्रह्मदेव, आप सभी को रणनीति दर्शाने में मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। अवश्य पुत्र।
इस युद्ध में हमारा उद्देश्य है अंधकासुर को बंदी बनाकर माता लक्ष्मी को मुक्त कराना, क्योंकि इसके साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा। कल गणेश अंधकासुर को चुनौती देगा। किंतु कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश जी ही क्यों? अंधकासुर को चुनौती देने के लिए मैं भी तो प्रस्तुत हो सकता हूँ। आज अंधकासुर की राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो दुष्ट गणेश को आहत करने की प्रतीक्षा में होगा। यदि गणेश उसको चुनौती देगा तो वो आग बबूला हो उठेगा। और मैं भी यही चाहता हूं कि अंधकासुर गणेश का पीछा करे। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, आप सभी को उन असुरों को एकांत में ले जाना होगा, जिससे वो अंधकासुर से दूर ही रहे। अंधकासुर जैसे ही अपनी सेना से दूर होगा, मैं और इंद्रदेव उसे बंदी बना लेंगे। यह है हमारी युद्ध नीति। अब युद्ध ही अंतिम विकल्प शेष है, इसीलिए कल उषा काल के साथ ही प्रारंभ होगा ये महासंग्राम। अस्त्रों से, शस्त्रों से, शक्ति से, नित संजीवनी से या कपट से, कल हम विजयी होंगे। नाश होगा देवताओं का, देवता पराजित होंगे। सर्वनाश होगा देवताओं का, देवता पराजित होंगे। असुरराज अंधकार सूर्य। हर हर महादेव। हर हर भोर में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो जाएगा। इस समय मैं तुम्हें देख सकता, तुम्हारा मृदु स्वर सुन सकता, तो मेरा हृदय शीतल हो जाता। स्वामी, मैं तो आपके साथ ही हूं। कल हमारी बड़ी परीक्षा है। सृष्टि, ब्रह्मांड सभी कुछ दांव पर है। प्रिये नाथ, शीघ्र मुझे लेने आइए। मैं तुम्हें शीघ्र लेने आऊंगा प्रिये। वचन लेकर छल से अंधकासुर ने माता लक्ष्मी को बंधक बनाने की धृष्टता की है। कल इसका दंड अवश्य दूंगा मैं उसे। आशा है अब हम सभी संभावनाओं पर विचार कर चुके हैं और अंधकासुर के पास अब कोई और कुटिलता भरी कपट योजना नहीं है। देवताओं, तुम्हें क्या प्रतीत होता है कि कल तुम सब मुझे पराजित करने वाले हो? तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं कि मैंने तुम सभी के लिए क्या प्रबंध किया है। मेरी नीतिबद्ध योजना तुम सभी को चकित ना कर दे तो मुझे कहना। कुछ ही समय में देवासुर संग्राम आरंभ हो जाएगा। उससे पूर्व एक बार मैं पुनः अपनी योजना दोहराता हूं गणेश। ये कैसी भयानक ध्वनि है?
ताकि मैं और भैया अंधकासुर को युद्ध के प्रथम चरण में ही पराजय का मुख दिखा सकें। प्रणाम। चलिए भैया। भागो! इन अंधकासुरों की रक्षा करो! हम अपने प्राणों की रक्षा करो! देवताओं,
राज्य तुमने हमारे महायुद्धासुरों का वध कर दिया, किंतु वे सभी तुम्हारे देव सैनिकों का मनोबल तोड़ने में सफल रहे। ये तो आरंभ है बालक, अभी तो और बहुत शेष है। अब देखो तुम्हारा सामना किससे और कैसे होता है। तुम्हारे पास अमृत है तो हम असुरों के पास नृत्य संजीवनी विद्या। इस बार हम पर विजय नहीं पा सकोगे तुम। लड़ते तुम्हारे प्रयास देवताओं, लड़ जाओ, क्योंकि अंधक के बंधन से लक्ष्मी माता को कोई मुक्त नहीं करा सकता, कोई नहीं। वीर शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों के प्रहार से अपनी वीरता का परिचय देते हैं अंधकासुर। मेरे अस्त्र चले तो नष्ट हो जाओगे तुम सभी, किंतु यही इच्छा है तुम्हारी तो यही होगा। असुर सेना प्रस्तुत हो। इनकी व्यूह रचना देखकर शीघ्र इनकी रणनीति समझनी होगी मुझे। वो असुर अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होता है। नंदी जी, आपको उसका सामना करना होगा। निकटतम असुर किसी अस्त्र शस्त्र की विद्या जानता है, क्योंकि वही है जिसके पास कोई अस्त्र नहीं है। इंद्रदेव, आप और अन्य देव मिलकर उसे रोकेंगे। वो असुर उड़ने की कला जानता है। उस योद्धा के खड़े होने की शैली कह रही है। वायुदेव, आपको उससे भिड़ना होगा और इनके सेनापति से मैं लड़ूंगा। गणेश, तुम मेरे पीछे रहोगे और हम तुम्हें अंधकासुर तक ले जाएंगे। जब अंधक की आसुरी शक्ति इन देवताओं का सर्वनाश करेगी। देवराज, श्री और शक्ति दोनों ही नहीं है हमारे साथ। देवियों के बिना अपूर्ण है हम और हमारी शक्ति, तो फिर युद्ध कैसे करेंगे हम? हाँ देवराज, आज ये प्रथम अवसर होगा जब हम श्री और शक्ति रहित होकर युद्ध करेंगे। आप सत्य कह रहे हैं वायुदेव, किंतु हम श्री को वापस ले जाने के लिए ये युद्ध कर रहे हैं। आप अपना मनोबल टूटने मत दीजिए। कुछ भी हो जाए, ये युद्ध हम अवश्य करेंगे और विजय भी हमारी ही होगी। सेनापति दुर्योधन, बंदी बनाकर यहां ले आओ उस गजमुख बालक को। इतना भयंकर दंड दूंगा जो अन्य देवताओं के लिए भी उदाहरण बनेगा। ले आओ यहां।
हम माता लक्ष्मी को मुक्त करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे, मुक्त करेंगे। हम माता लक्ष्मी को मुक्त करेंगे, युद्ध करेंगे, मुक्त करेंगे, युद्ध करेंगे। माँ लक्ष्मी को पुनः वापस लाने के लिए, 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 माँ लक्ष्मी को पुनः वापस लाने के लिए। अर्जुन, नष्ट भ्रष्ट कर दो इन्हें। आक्रमण! 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 आरंभ हो गया देवासुर संग्राम, जिसमें इस बार विजय असुरों की ही होगी। वहां है वो दुष्ट अंधकासुर जिसे बंदी बनाना मेरा लक्ष्य है। राजमुख, अब हस्ती की गज शक्ति तुझे कुचल कर रख देगी। Ha 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 ha
भैया संभालिए। भैया आप कुशल तो हैं? इस असुर ने मुझे कैसे डिगा दिया? अभी अपने बाणों से अंत करता हूँ उसका। अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ बालकों। अंततः इसका भी अंत हुआ भैया। इस दिवस संग्राम में मैं अपने किसी भी असुर योद्धा को मृत्यु प्राप्त करने नहीं दूंगा। ये कैसे संभव है? मेरे बाणों के प्रहार के बाद भी ये जीवित कैसे है? उधर नहीं, यदि ताल है तो इधर वाल ताल। अच्छा, तो अब तुम जैसा छोटा सा गढ़ मुझसे युद्ध करेगा, मैं दस से युद्ध करेगा। नहीं, मैं करूंगा तुमसे युद्ध। उचित है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। देवराज को पराजित करने में तो मुझे अद्भुत आनंद आएगा। देव सेनापति, अब तुम कुचले जाने के लिए तैयार हो जाओ। जी कैसी रही? ये कैसे जकड़ा जा रहा हूँ मैं? अब आप एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते असुर जी। तुम पर दया करूंगा मैं, भारी आक्रमण नहीं करूंगा, बस अपने दो हाथों का ही प्रयोग करूंगा तुम्हारे लिए देवराज। मूर्ख असुर, अब देवराज इंद्र दिखाएगा तुम्हें तुम्हारा वास्तविक स्थान। तुम अपने दो हाथों का प्रयोग करो या अपने शास्त्र हाथों का, तुम्हारा अंत निश्चित। ये कैसे संभव? मुझे शक्ति से नहीं युक्ति से कार्य लेना होगा। भैया तनिक दूर हो जाइए इससे। भ्राता गणेश, कुछ तो है जो अनुचित है, अन्यथा मेरे संहारक बाणों के प्रहार से तो इस दुष्ट असुर का तत्काल अंत हो जाना चाहिए था।
अस्त्र का प्रहार सहो देवराज। वर्चस्व स्थापित कर रही है, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई नहीं टिक पा रहा है इस सेना के समक्ष। क्या बात हो सकती है, असुरों के समक्ष सभी देवगण निर्बल क्यों पड़ते जा रहे हैं? उनकी कोई भी शक्ति कार्य क्यों नहीं कर रही है? हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये श्री की उपस्थिति का प्रभाव है, भाग्य इन असुरों का साथ दे रहा है। यही चिंता है मेरी ब्रह्मदेव, जहाँ श्री का वास है वहाँ दुर्भाग्य और पराजय दोनों पहुँच भी नहीं सकते। इस समय मेरी प्रिय देवी लक्ष्मी असुरों के यहाँ स्थित हैं, और इसीलिए अब असुरों को पराजित करना असंभव सा है। क्या बात हो सकती है, असुरों के समक्ष सभी देवगण निर्बल क्यों पड़ते जा रहे हैं? इन असुरों को हमारे देव सैनिकों की ओर बढ़ने से रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा। राधा गणेश, मैं इन असुरों को रोकता हूँ, तब तक तुम अंधकासुर के पास जाओ, उसे चुनौती देकर कहीं एकांत में ले जाओ, जिससे हम उसे बंद भी आ सके। जी भैया। मुझे अंधकासुर तक पहुँचने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। रुक जाओ असुरों, मेरे रहते आगे नहीं बढ़ सकते तुम। वो रहा दुष्ट अंधकासुर। देवराज को इस अवस्था में नहीं देख सकता मैं। ये बाण कहां से आए? तो ये इस दुष्ट का कार्य है। वायुदेव हूं मैं, जिस पर प्रहार करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। अच्छा, किंतु जहां मैं खड़ा हूं वहां से तो तुम मूर्ख दिखाई पड़ते हो। मूर्ख देवता जो विवश है मेरे बाणों से खंडित पृथ्वी पर खड़े होने के लिए, तुम्हारी इस धृष्टता का उचित दंड दूंगा तुम्हें मैं। शेष नहीं होगे देवराज,
ये मैं इतना बलहीन कैसे हो रहा हूं? कुछ भी कर लो देवराज, मुझसे मुक्त नहीं हो सकोगे तुम। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं आपको मुक्त कराने, दुष्ट असुर। सर्वप्रथम इस अग्निदेव का उपाय करता हूं मैं। तुम्हें उठने की अनुमति नहीं है देवराज। तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा दुष्ट। सर्वाधिक शक्तिशाली अवश्य होगे तुम, किंतु मेरी अग्नि शक्ति का सामना नहीं कर सकते तुम। यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो शीघ्र भाग जाओ यहाँ से। अग्निदेव, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। तुमने अपनी रक्षा का अवसर गंवा दिया है, अब मैं तुम्हें भस्म करूंगा। खीर पड़ गई है, मेरा वज्र भी शक्तिहीन हो गया है। श्री गणेश जी, आप ही नहीं सभी देवता सामर्थ्यहीन होते जा रहे हैं। आप सभी किसी प्रकार इस असुर को रोकिए, मैं तब तक अंधकासुर को दूर ले जाकर उसे बंदी बनाने का उपाय करता हूँ। अब तुम नहीं बचोगे देवताओं। उचित पाठ पढ़ाऊंगा मैं, इसे घसीटता हुआ ले जाऊंगा असुर राज अंधकासुर के पास। या, या,
आधार। ये असुर तो मेरी ओर बढ़ा रहा है, किंतु मुझसे भिड़ने के पूर्व ये भैया से टकराएगा। गणेश और ये विशाल का यासुर एक दूसरे के समक्ष। ये क्या हो रहा है मुझे? इस असुर को सरलता से पराजित क्यों नहीं कर पा रहा मैं? गणेश कैसे रोकेगा इस असुर को? बालक, मेरा सामना नहीं कर सकते तुम। ये दुष्ट असुर तो गणेश को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये मैं कदापि होने नहीं दूंगा। दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारी छल कपट से भरी आसुरी प्रवृत्ति का है दुष्टों। युद्ध का नियम है कि अकेले पड़े योद्धा को घेर कर उस पर पीछे से वार करना अनुचित है। उचित तो ये होगा कि तुम युद्ध के प्रवचन देने के स्थान पर हमसे युद्ध करो। तुम्हारी होगी असुर। अति उत्तम अस्त्र, अति उत्तम। घसीट कर लेकर आओ उस गजमुख बालक को यहाँ। शीघ्र ले आओ मेरे समक्ष। शक्ति से नहीं, युक्ति से कार्य लेना होगा। हाँ, ये युक्ति सफल हो सकती है। उस बालक को बांध कर घसीट कर यहाँ ले आओ। अंधक बनाएगा उसे अपना बंधक। दुर्योधन, दुष्ट बालक, इस बार तो मुझसे नहीं बन सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः। ब्रह्मदेव की मंत्र शक्ति से पीड़ित ये असुर हमारे समक्ष आने में असमर्थ हो रहे हैं। शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम द्रौ शांतिरंतरिक्षम शांतिः। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम निर्बल कैसे पढ़ते जा रहे हैं? शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा। रूपा जी, ब्रह्मदेव के मंत्र जाप से उचित उपाय हो गया इन दुष्ट असुरों का। शांतिरंतरिक्षम शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांति। क्या हुआ भैया, आपके मुख पर अभी चिंता का भाव क्यों है? ध्यान से सुनो गणेश, ब्रह्मदेव का स्वर भी मंद पड़ता जा रहा है। शांतिर ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ये दुष्ट तो पुनः उठ रहे हैं। जब तक लक्ष्मी मेरे पास है, तुम देवताओं की कोई भी शक्ति, कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र कुछ कार्य नहीं करेगी मेरे असरों पर। बस बहुत हुआ, अब कोई अवसर मत दो इन देव सैनिकों को, नष्ट कर दो इन्हें। जाओ पाला।
अंधकसुर के असुर सैनिक यहाँ पर तो विजय पा ही रहे हैं, हमारी अशक्त और शिथिल पड़ी सेना को और हानि पहुंचाने के लिए वो अपने भवन से भी आक्रमण करेगा। ये तो विषैले बाण है। मैं और कितने समय तक इस आक्रमण को रोक सकूंगा ये मुझे भी ज्ञान नहीं। मामा जी, देवताओं की शक्ति क्षीण होने के पीछे क्या कारण है? हम असुरों को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ गणेश, ऐसा लगता है ज्येष्ठा लक्ष्मी की छाया पड़ गई है हम पर। अर्थात मामा जी? हाँ पुत्र, लक्ष्मी के जाने के साथ हमारी सारी शक्तियाँ भी चली गई हैं। कौन है ये ज्येष्ठा मामा जी? छल का सहारा लेकर क्षणिक सफलता तो प्राप्त की जा सकती है, किंतु दूसरे अप्रिय परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।